हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा अध्याय दो। अध्याय का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसका उदाहरण नंबर 17 कक्षा 8 एनसीईआरटी बुक से। अध्याय दो में जितने भी प्रश्नावली हैं सभी प्रश्नावली में आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा चुका हूँ। अगर आप इन सभी सवालों को देखना चाहते हो तो प्लीज़ फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल पर जाकर आप इन सभी सवालों को देख सकते हो। तो चलिए आज के सवाल को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 17, उदाहरण में दिया हल कीजिए। यहाँ हमें एक समीकरण दे रखी है, इसको हमें हल करना है। इसे हल करने का मतलब क्या है, इसमें दिए हुए चर का मान बताना है। इसमें चर हमें क्या दिया, एक्स। इस एक्स का हमें मान बताना है इस समीकरण को हल करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है परीक्षा की दृष्टि से भी। बाकी अगर आप इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व करना सीख जाते हैं तो प्रश्नावली आने पर इस तरह के जो सवाल आएंगे उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सवाल उतार लेते हैं। 5x-2 ब्रैकेट में 2x-7 बराबर 2 ब्रैकेट में 3x-1 और +7/2। सबसे पहला हमें काम करना क्या होता है, ब्रैकेट दी होती है उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे और ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा है उससे ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा उसको गुणा करेंगे, ठीक है। ये रूल होता है। तो 5x हमारा ऐसे के ऐसे ही उतर गया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट जैसे ही हम हटाएंगे, इस -2 से इस 2x की गुणा होगी। ये 2x प्लस का है और ये माइनस का है, तो सबसे पहले हमें चिन्हों की गुणा करनी है। ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब 2 से हम 2x की गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4x, ठीक है। इसकी गुणा हो गई, अब इसकी गुणा करनी है। ये माइनस का 7, ये माइनस का 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस माइनस की गुणा, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, ठीक। 2 की और 7 की गुणा 14 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। बराबर ऐसे यहाँ करना है, ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस 2 की प्लस 3x से गुणा होगी तो हमें मिलेगा प्लस का 6x, ठीक। इससे हो गई गुणा, अब हमें करना है इससे गुणा। माइनस 1 की 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2। क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, 2 गुणा 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा बचा प्लस का 7/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जितने भी एक्स एक्स हैं उसको हम इस साइड में ले आएंगे यानी LHS में, और संख्या संख्याओं को हम RHS में ले जाएंगे यानी इधर, ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो पहले यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। 5x में से 4x घटाएं क्या बचेगा, 1x। 1 हम लिखते नहीं तो हम लिख देंगे केवल एक्स, और इसे पढ़ेंगे क्या, 1x, ठीक है। प्लस का 14 बराबर 6x-2 +7/2, ठीक है। अब इस वाले 6x को इधर ले आते हैं, ठीक है, और इस संख्या को इधर ले जाते हैं। तो x हम यहीं रोक लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब ये प्लस का 6x है, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, ठीक। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस होता है, ठीक है। जब भी हम प्लस माइनस की किसी भी चीज़ की साइड चेंज करते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो प्लस का 6x इधर आकर माइनस का 6x हो गया, बराबर ये 6x इधर आ गया तो यहाँ क्या बचा, -2 +7/2, -2 +7/2, ठीक है। अब इस प्लस के 14 को भी इस संख्या की तरफ ले जाना, ये प्लस का है तो इधर जाए किसका हो जाएगा, वेरी गुड, माइनस का, -14, ठीक। यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं दोनों साइडों को। ये प्लस का 1x है, ये माइनस का 6x है। प्लस माइनस होने पर क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो चीज़ें घटती हैं, और जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो चीज़ें जुड़ जाती हैं, ठीक है। यहाँ अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा। 6x में से 1x घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 5x। क्यों, माइनस का क्यों मिला, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। देखिए 6 के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो ये 6 माइनस की हो गई और माइनस की संख्या हमारी बड़ी है, तो हमें आंसर में माइनस का चिन्ह मिला, ठीक है। बराबर इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। ये जो बटे में लिखा है इससे इसको गुणा कर लो और इससे फिर इसको गुणा कर लो। देखिए कैसे, 2 से -2 की गुणा कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। ये प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस -4 हो गया। प्लस लगाइए 2 के ऊपर जो लिखा है ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। अब इस 2 से इस -14 की गुणा कर लीजिए तो हमें मिल जाएगा माइनस का 28, और पूरे के बटे में लिख लीजिए 2। क्या किया हमने, बटे वाली से बिना बटे वाली संख्याओं को हमने गुणा कर लिया, ठीक है। यानी इस 2 से पहले इसको गुणा किया,
फिर दो से इसको गुणा कर लिए, ठीक है। एलसीएम लेकर भी ऐसे ही होगा। अब हमें क्या करना है, जो एक जैसे चिन्ह है उनको जोड़ेंगे और जो अलग चिन्ह की उसे घटा देंगे। तो माइनस पाँच एक्स बराबर, ये माइनस का 4, ये माइनस का 28, दोनों एक जैसे चिन्ह हैं। जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 32। 4 और 28 कितना होता है, 32। चिन्ह कौन सा आएगा, जो दोनों में दिया है, ठीक है, माइनस, क्लियर। अब बचा हमारा प्लस का 7 और बटे में 2, ठीक है। माइनस पाँच एक्स बराबर, ये माइनस की संख्या, ये प्लस की संख्या, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटा देते हैं। 32 में 7 घटाएंगे, क्या बचेगा, माइनस का 25। माइनस का क्यों बचा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है, और बटे में 2, क्लियर। अब इस वाली संख्या को भी इधर लेकर जाना है, ठीक। तो यहाँ हम एक्स रोक लेंगे, बराबर हमारा है माइनस 25 और बटे में 2, ठीक। जब इस माइनस 5 को इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा बटे में, क्यों, क्योंकि x के साथ माइनस 5 गुणा में है, ठीक है, और गुणा की चीज़ जब साइड चेंज करती है तो बटे में जाती है, तो हमें यहाँ बटे मिला है। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, 5 से 25 5 बार में कैंसिल हो गया, देखो 5 एकम 5 और 5 25, ठीक। तो हमें x बराबर क्या मिला, x बराबर हमें मिला 5 ऊपर 5 बचा और बटे में 2, ठीक है, 5 बटे 2, ये हो जाता है हमारा हल। अब हम कर लेते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में हम क्या करेंगे, ये जो हमें समीकरण दे रखी है, ठीक है, इसमें हम x का मान क्या रखेंगे, जो हमारा आंसर में आया है 5/2, ठीक है, और दोनों ही साइड्स को हम सॉल्व करेंगे। दोनों ही साइड सॉल्व करने पर अगर आंसर हमारा सेम आता है तो हमारा x का मान सही है, वरना गलत है, ठीक है। तो चलिए उत्तर की जाँच भी कर लेते हैं। तो उत्तर की जाँच करने के लिए हमने क्या किया, अपनी समीकरण उतार लिया। यहाँ x की वैल्यू हम 5/2 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है, ठीक है, तो 5 का 5 और x की वैल्यू 5/2, गुणा लगाएंगे और 5/2 किसके प्लेस पर रखा है, किसके स्थान पर, हमने x के स्थान पर, ठीक है। माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, ब्रैकेट, फिर 2 है, 2 लिख देंगे, गुणा लगाएंगे x की वैल्यू 5/2 और फिर माइनस का 7 बराबर, ऐसे यहाँ करना, 2 का 2 लिखा, 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे x की वैल्यू 5/2 माइनस का 1 ब्रैकेट 1 प्लस का 7/2, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 5 गुणा 5 25 और बटे में 2 माइनस 2, ठीक है, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 माइनस 7 और 5 माइनस 7 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटने के बाद क्या बचेगा, माइनस का 2, क्यों, क्योंकि ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 7 है, तो किसका बचेगा, माइनस का 2, ठीक है, बराबर 2, 5 तियाँ 15 और बटे में 2 माइनस का 1 और प्लस 7/2, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। 25/2, ठीक, जैसी ब्रैकेट आएंगे माइनस 2 की, माइनस 2 से गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस का 4, माइनस गुणा माइनस प्लस 2 दूनी 4, ठीक है, बराबर। इधर ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, 2 से 15/2 की गुणा होगी और फिर माइनस 1 से भी 2 की गुणा होगी, या फिर आप पहले ब्रैकेट को अंदर सॉल्व कर लें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 2 से गुणा करें चाहे पहले अंदर सॉल्व कर लें। तो मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट आगे 2 से गुणा कर देता हूँ, जैसे ही ब्रैकेट आएंगे 2 की और 15 की गुणा होगी तो जाएगा 30 और बटे में हमारा 2, ठीक है, माइनस 2 की 1 की गुणा 2 और यहाँ प्लस का 7/2, ठीक। अब इसको क्या करना है, बटे वाली संख्या जो है 2, इससे 4 की गुणा कर लो और 2 के ऊपर जो लिखा वो ऐसे लिख लो, 25 प्लस लगाइए, 2 की और 4 की गुणा 8 हो जाएगा और बटे में 2 लिख लीजिए, ठीक है, बराबर। ऐसे ही यहाँ कर लेते हैं, यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं 1 लगा कर, ठीक है, 2, 1, 2, यानी जब इसका एलसीएम लेंगे 2, 1, 2 का तो हमें क्या मिलेगा, 2, ठीक है, 2 से 2 को भाग देंगे 1 भाग फल जाएगा, 1 की गुणा 30 से करेंगे तो 30 मिलेगा, ठीक है, माइनस लगाएंगे 1 से 2 को भाग देंगे 2 भाग फल जाएगा, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4, ठीक है, प्लस लगाएंगे 2 से 2 को भाग देंगे भाग फल 1, 1 की गुणा 7 से करेंगे तो 7 मिल जाएगा, क्लियर। इसको जोड़िए, 25 और 28 कितना होता है, 33 और बटे में 2, इधर सॉल्व कीजिए, ये प्लस का, ये प्लस का कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ये माइनस का है, 37 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 33, ठीक है, और बटे में 2, दोनों साइड्स हमारी इक्वल आई हैं, तो ये हमारी हो गई उत्तर की जांच, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।